नमस्कार दोस्तों, नेपाल और भारत जिनको दुनिया के सबसे करीबी पड़ोसी देशों के रूप में जाना जाता है, और अभी हाल ही में जब भारत में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही थी जो कि 300 रुपए पर केजी तक पहुंच गई थी, तो नेपाल से मदद भारत को मिली। दो हफ्तों में महज नेपाल ने 7 लाख केजी टमाटरों की सप्लाई भारत को दी, और उसके बाद भारत में दामों की कमी को देखा गया। लेकिन अब नेपाल में प्याज, चावल और शक्कर की शॉर्टेज हो रही है। प्याज की बात करें तो नेपाल में प्याज के दाम 100 रुपए केजी तक पहुंच गए थे, क्योंकि नेपाल का 99% प्याज भारत से आता है, और भारत ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% का निर्यात शुल्क लगा दिया, जिसके चलते ये महंगा हो गया और नेपाल में प्याज की भारी कमी आ गई, और ये एक्सपोर्ट पर शुल्क 31 दिसंबर तक लगा दिया गया है, जिसके चलते नेपाल के कई सब्जी वालों के पास तो प्याज ही नहीं था और प्याज की शॉर्टेज देखने को मिली। तो एक तरफ टमाटर की कमी पर नेपाल का टमाटर सप्लाई करना, और दूसरी तरफ भारत में प्याज की कमी ना हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना, जिससे नेपाल में कीमतें बढ़ गई। तो क्या भारत नेपाल के बीच में आपको भारत का ये फैसला सही लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। लेकिन ये बात यहाँ पर पूरी खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत द्वारा ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि फेस्टिवल टाइम पर भारत में प्याज के दाम बढ़ते हैं, और इसका असर अभी से देखने को मिलने लगा था, जिसके चलते भारत की सरकारों ने तुरंत इस पर कार्रवाई की और एक्सपोर्ट पर 40% का टैक्स ठोक दिया। तो कहीं ना कहीं भारत की सरकार भारत के लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े इसके लिए सोचती है। तो भारत द्वारा ये कदम कहीं ना कहीं गलत नहीं कह सकते, लेकिन क्या ऐसे कदम नेपाली सरकार द्वारा लिए जाते हैं आपके लिए, प्रोटेक्शन के लिए? लेकिन ये प्यास की बात यहीं पर खत्म नहीं होती। नेपाल भारत के संबंध इतने भी बुरे नहीं हुए। नेपाल में जैसे ही कीमतें बढ़ने लगी, नेपाल सरकार ने इस संकट के बारे में भारत से बात की, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ नेपाल के लिए भारत ने निर्यात शुल्क में कमी दी, यानी कि 40% का टैक्स नेपाल के लिए कम हो गया, और इस छूट के बाद में प्याज सस्ता होने लगा। आपको बता दें कि इस राहत के बाद सिर्फ 48 घंटों में ही 265 टन प्याज भारत से नेपाल चला गया। तो अब नेपाल में प्याज की कमी उतनी ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से प्याज की क्राइसिस को कम किया गया नेपाल में। इसके अलावा नेपाल में चावल और शक्कर पर भी कमी हो रही थी, और ये फेस्टिवल सीजन तक बढ़ सकती है, जिसके लिए नेपाल की सरकार ने भारत से 1,00,000 टन चावल और 50,000 टन शक्कर प्रोवाइड करने की बात कही। नेपाल के कॉमर्स और सप्लाई मिनिस्टर रामचंद्र तिवारी ने बताया कि अभी नेपाल में कोई भी चीजों की कमी नहीं है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में फेस्टिवल टाइम तक सप्लाई को बराबर रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ती है और मोस्टली खाने पीने का सामान नेपाल में भारत से ही आता है। और चावल की बात करें तो दुनिया भर में चावल के प्राइस में 7% की बढ़ोतरी आई है, और ये बढ़ोतरी का कारण रहा है यूक्रेन रशिया वॉर, जिसके बाद भारत ने भी बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, तो ये एक चीजें और ज्यादा बढ़ गई, और इसीलिए नेपाल में भी इन चीजों की सप्लाई को देखा जा रहा है। तो ये थी पूरी रिकॉर्ड जो कि प्याज से लेकर शक्कर तक, यानी कि शुगर तक, जो कि नेपाल और भारत के बीच में चल रही है।